Yes, dear students, today we will read page number 4, 5 and 6 of chapter 1, Tracing Changes Through a Thousand Years. And your topic is Historians and Their Sources. So listen carefully. Historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. Historians काफ़ी सारे sources का use करते हैं कि past depending upon the period of their study, nature of their investigation, to learn about the past. कि last year, for example, you read about rulers of the Gupta dynasty and Harshvardhan. आपने पिछली क्लास में गुप्त वंश और हर्षवर्धन के समय के बारे में पढ़ा था. इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग थाउजेंड ईयर्स फ्रॉम रफली 700 टू 1750. इस चैप्टर में हम इस बुक में 700 से लेकर 1750 तक के टाइम ड्यूरेशन में जो कुछ होता है, कौन कौन से किंग्स आते हैं, कौन कौन से चेंजेस होते हैं, वो हम पढ़ेंगे. You will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. आप नोटिस करेंगे कंटिन्यूटी, सोर्सेज की कंटिन्यूटी को, कि जब हिस्ट्रियंस जो हैं वो इस पीरियड को स्टडी करते हैं, दे स्टिल रिलाई ऑन क्वाइंस इंस्क्रिप्शंस. वो अभी भी किसके ऊपर रिलाई, रिलाई होता है ट्रस्ट करना, विश्वास करना, डिपेंड होना. वो कॉइन्स पर डिपेंड हैं, यानी कि जो जैसे एम्परर थे, किंग्स थे, वो अपने अपने कॉइन्स, सिक्के चलवाते थे. इंस्क्रिप्शंस जो रॉक्स पर लिखे जाते थे, जो पिलर्स पर लिखे जाते थे, बिल्डिंग्स पर लिखे जाते थे. आर्किटेक्चर, यानी कि जिस तरह से वो पैलेसेस बनाते थे या कुछ और बिल्डिंग्स बनवाते थे. एंड टेक्सटुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के लिए वो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड हैं. बट देर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी. यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसकंटिन्यूटी भी है, कंसिडरेबल होता है बहुत ज़्यादा. द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सटुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस पीरियड में क्या होता है कि जो टेक्सुअल रिकॉर्ड्स हैं उनकी नंबर में और उनकी वेराइटी में बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाते हैं. वो एक तो ज़्यादा हो जाते हैं और एक उनकी वेराइटी भी ज़्यादा हो जाती है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के. दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन. वो धीरे धीरे दूसरी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं उसको डिस्प्लेस कर देते हैं. थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर. और इस पीरियड में जो कागज़ है, जो पेपर का इन्वेंशन हो चुकी है, वो अब ज़्यादा चीपर है, वो सस्ता है. एंड मोर वाइडली अवेलेबल, और बहुत ज़्यादा वो अवेलेबल है. पीपल यूज्ड इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, पेटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, एंड फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस. वह इन सब चीज़ों के लिए कागज़ का यूज़ करते हैं. क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, क्रॉनिकल्स होता है समय, और पेटिशंस, पेटिशंस होता है किसी से रिक्वेस्ट की गई, कोई लेटर भेजना, कंसोलिडेशन का लेटर भेजना, या किसी भी तरह का लेटर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल लेटर होता है उसके बारे में. और रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, और इनके बारे में हम वो कागज़ का यूज़ करते थे. मैनुस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाई वेल्दी पीपल. मैनुस्क्रिप्ट्स मीन्स हैंड रिटन रिकॉर्ड. जो है उनको कौन इकट्ठा करके रखता था? वेल्दी पीपल, जो रिच पर्सन होते थे, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स. अब वहाँ पर मैनुस्क्रिप्ट्स रखी जाती थी, रूलर्स रखते थे, मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज होता है जैसे मठ बनाए जाते हैं. आपने बौद्ध रिलीजन के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में, तो उनका जो जैसे हिंदू रिलीजन में टेम्पल होता है, उसी तरह से बौद्ध रिलीजन में मोनेस्ट्रीज होती हैं. दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स. उनको लाइब्रेरीज में रखा गया या आर्काइव्स में रखा गया. आर्काइव्स की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा. दीज मैनुस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन टू हिस्ट्रियंस, बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज. वो इनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इनका यूज करना. देर आर नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैनुस्क्रिप्ट्स बाय हैंड. स्क्राइब्स होते हैं जो राइटर होता है कॉपी करने वाला किसी चीज़ की, तो वहाँ प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, उनको हाथ से कॉपी किया जाता था. इफ़ यू हैव एवर कॉपीड ए फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज.
अगर आपने कभी अपने किसी फ्रेंड के होमवर्क को कॉपी किया है तो आप जानते होंगे कि ये कितना आसान काम नहीं है. समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड यू आर फोर्स टू गैस वट इज़ रिटन. और कई बार आपको अपने फ्रेंड की हैंड राइटिंग जो है वो समझ में नहीं आती और आप ये गैस करने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या लिखा गया है. एज अ रिजल्ट देर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेज इन योर कॉपी और योर फ्रेंड्स वर्क. और इस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आपके वर्क में आ जाते हैं. मैनुस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवट सिमिलर. इसी तरह से मैनुस्क्रिप्ट का काम था कि जिससे कॉपी की जाती थी थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस आ जाता था. एज स्क्राइब्स कॉपीड मैनुस्क्रिप्ट्स दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड स्मॉल चेंजेस. और जैसे ही स्क्राइब्स जो है वो उन मैनुस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते थे तो उनमें स्मॉल चेंजेस आ जाते थे. अ वर्ड हेयर अ सेंटेंस देयर दीज स्मॉल डिफरेंसेज ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मैनुस्क्रिप्ट्स ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकेम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. और ये तब तक चलता रहा चेंजिंग का सिलसिला, ये जो सीरीज थी, जब तक कि जो ओरिजिनल मैनुस्क्रिप्ट्स है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो गई. दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैनुस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टूडे. और ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि हम ओरिजिनल मैनुस्क्रिप्ट बहुत कम पाते हैं आजकल. वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय द लेटर स्क्राइब्स. और जो स्क्राइब्स थे हम उन्हीं की कॉपीज पर डिपेंड करते हैं. एज अ रिजल्ट हिस्ट्रियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैनुस्क्रिप्ट वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गैस वट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन. और इस तरह से हिस्ट्रियंस जो हैं उन्हें काफ़ी सारी मैनुस्क्रिप्ट अलग अलग वर्जन की पढ़नी पड़ती हैं ये जानने के लिए कि ऑथर ने क्या लिखा, ओरिजिनल उसने लिखा क्या था. ऑन ओकेजन ऑथर्स रिवाइज्ड देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स. द 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर्स जियाउद्दीन बर्नी रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356 एंड अनदर वर्जन 2 years लेटर. और इस तरह से ऑथर जो हैं वो अपने क्रॉनिकल्स को है रिवाइज करते रहते थे, यानी कि एक एडिशन निकाल दिया बुक का फिर दूसरी बुक का एडिशन निकालते थे. जैसे आज हम देखते हैं कि एक बुक हमने इस साल पढ़ी है तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है कुछ चेंजिंग के साथ उसमें नया एडिशन आ जाए उसका. इस तरह से वो पहले ऑथर्स भी ऐसा ही करते थे. इस तरह से जियाउद्दीन बर्नी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि क्रॉनिकलर्स फर्स्ट उसने अपना क्रॉनिकल लिखा, अपनी बुक लिखी, अपनी हिस्ट्री की बुक लिखी 1356 में और दूसरी लिखी उसके 2 साल बाद में. द टू डिफर फ्रॉम इच अदर, दोनों एक दूसरे से डिफरेंस थी. बट हिस्ट्रियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960s. और जो हिस्ट्रियंस है वो 1960s तक नहीं जानते थे. इट रिमेंड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस. यह जो लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन है वो उसमें गुम हो चुकी थी. ये था आपका पेज नंबर 456 पर जो हिस्ट्रियंस एंड देयर सोर्सेज हैं.